अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे मेहनत कश पढ़ने वालों बच्चों, कैसे हो। आज जो पहले हमने एक पेज किया था उसी के मुतालिक, उसी जैसी एक ये भी एक्टिविटी है। मज़ीद हम इसको आज करेंगे कि एक फैमिली वाले वर्ड्स एक साथ लिखेंगे, तस्वीर भी चिपकाएंगे, और बिल्कुल वो भी आसान थी, ये भी आसानी होगी। तो मैं पढ़ूँ, आप तैयार हो पढ़ने के लिए मेरे साथ ये एक्टिविटी करने के लिए? हाओ जी हाओ जी। तो पहला वर्ड जो है ना, टूथब्रश। अब ब्रश की जब बात करते हैं तो ब्रश तो कई किस्म के ब्रश होते हैं। टूथब्रश दांतों वाला ब्रश, तभी टूथ जरूर लगाया करें। टूथब्रश ऐसे नहीं कि ब्रश, असल में तो इसको ब्रश कहते हैं, ये ब्रश भी नहीं है, ब्रश बी आर यू एस एच स्पेलिंग है ब्रश। तो टूथ 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 ब्रश टूथब्रश। और उसके बाद सोप सोप, और जी कॉम कॉम सी ओ एम बी। मेरे बच्चों मन के सच्चो, ये बेटा याद रखें, समझें भी कि अगर एम के बाद बी आए तो बी की आवाज नहीं निकलेगी। ऐसा समझ लें कि बी यहां पे है ही नहीं, तो क्या प्रोनाउंसिएशन बनेगा? कॉम कॉम। और हेयर ब्रश, अब देखें वो टूथ ब्रश है और ये हेयर ब्रश है, क्लियर। उसके बाद हेयर ऑयल, टब, टॉवल, टेप। अगर यहाँ पे वाटर टेप लिखा हुआ होता तो और भी अच्छा था, ये भी गलत नहीं है लेकिन वो ज़्यादा अच्छा है। तो वाटर टेप, बकेट, वाटर मग, शॉवर, हेयर ड्रायर। मेरे होंठों को ज़रूर देखा करें, ये नहीं कि काले हैं या लाल हैं, इनको नहीं कि कैसे मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता तभी पढ़ रहा हूँ, क्लियर। F-16 की स्पीड से मैं आपको नहीं पढ़ के सुना रहा, धीरे धीरे प्यार को, धीरे धीरे सबक को सिखाना है। ओके, पढ़ लिए। अब इनको हम फैमिली के मुताबिक हल करेंगे, क्लियर। तो ब्रश यानि टूथ ब्रश एंड बकेट एंड वाटर मग, इनका ताल्लुक बनता है, बिल्कुल बनता है। और वाटर टेप, टब और शॉवर, शॉवर बिल्कुल लेने का भी बनता है। सोप ऑयल, तो हेयर ऑयल, हेयर ऑयल एंड टॉवल बिल्कुल जी। कॉम, ड्रायर एंड हेयर ब्रश, तो ये तीनों साथ आएंगे। अच्छा, इनका नंबर आप आगे पीछे कर सकते हो बच्चों, जिस तरह मैंने कहा कि कॉम, हेयर ड्रायर या ब्रश, तो आप पहले भले ब्रश लिखो तो भी सही है, या पहले आप हेयर ड्रायर लिखो फिर भी सही है, ये नंबर आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन तीनों चीज़ें ये साथ होनी चाहिए। ये था यूनिट, ये थी एक्टिविटी, वे ये थी वोकैबुलरी बिल्डिंग। तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये लेसन भी आपको समझ में आया होगा, आसान लगा? वेरी गुड वेरी गुड, आप तो बहुत हार्ड वर्किंग हैं। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक कर लें प्लीज, अच्छे बच्चों की तरह लाइक कर लो, माशाल्लाह, वेरी गुड, थैंक यू।
सब्सक्राइब नहीं किया पहली मरतबा आए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद हमारी वीडियोज़ मिलती रहें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, कॉमेंट्स करें प्लीज़, कॉमेंट्स करें, कॉमेंट्स आपके ज़रूरी हैं। छोटे बच्चे हो कोई मसला नहीं है, किसी को कहो कि कॉमेंट्स करो सर को ये लिखो, क्लियर। और अपने दोस्तों को भी बताएं आप, उनकी आज मदद आप करेंगे कल वो आपकी मदद करेंगे। ए तो अब क्या है जी, अब करम टीचर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।